तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग ये वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, कैनवा की स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो काफ़ी सारे साइज़ के वेरिएंट्स हैं, डॉक्स है, वाइट बोर्ड है, लेटर है। लेकिन हम यहाँ सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। ठीक है, तो हम जो स्क्वायर वाला पोस्ट होता है ना, उस पर जा करके क्लिक कर देंगे 1080x1080 पिक्सल वाले को। और उसके बाद जो है हमारे पास इस तरीके का कुछ पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट अ ब्लैंक पेज पर, और उसके बाद आपके पास न्यू इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम क्रिएटिव लिख दिया है टाइटल बार में, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो। देन वी विल गो टू एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में जाकर के हम सर्च कर देंगे आइसक्रीम के लिए। ठीक है, कभी भी किसी भी डिज़ाइन का यार मेन इमेज जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना है सिलेक्ट करने में मेन इमेज को। यहाँ पर मैंने भी काफ़ी सारे सर्चेस किए इमेजेस के लिए, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम ये, आइसक्रीम वो, और उसके बाद एक बढ़िया सा कोन जो है सिलेक्ट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया क्रिएटिव में हमने एक चॉकलेट कोन सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे और ये वाला कोन था वो। ठीक है, तो इसको जो है पीछे से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अगर आपके पास बैकग्राउंड रिमूवल नहीं है तो फ्री एक ऑप्शन है यार remove.bg करके, तो वहाँ से आप जा कर के रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो अपना प्रो वर्जन है इसमें अवेलेबल है ही। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी रिसाइजिंग कर देंगे। थोड़ा सा साइजिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और हमारी मेन इमेज को जो है इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद दोबारा जो है हम जाएंगे एलिमेंट्स में और सर्च करेंगे ब्राउन सिल्क के लिए। काफ़ी सारे प्यारे प्यारे ऑप्शंस आए हैं यार यहाँ पर भी, लेकिन हम जो है ये वाला भी सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगेगा तो हम बाद में चेंज कर देंगे, कोई इशू नहीं है, पर अभी हाल फिलहाल के लिए कर देते हैं। और सिल्क को जो है हम इसका हल्का सा ऐसे ब्लर कर देंगे इसका इफेक्ट। तो आप एडिट फोटो पे जाओगे, इसके बाद आप ब्लर पे जाओगे, उसको क्लिक करना, उसके बाद इंटेंसिटी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ी बढ़ा दो, कम कर दो। ओके, इसके बाद जो है हमें एक मिल्क स्प्लैश चाहिए है, तो हम जाएंगे एलिमेंट्स पे और मिल्क स्प्लैश के लिए सर्च करेंगे। यहाँ पर ये वाला स्प्लैश बहुत अच्छा है, तो मैंने इसको इस तरीके से टू बैक करके अरेंज कर दिया है। आप साथ साथ करते जाओगे तो आपका भी डिज़ाइन बनता जाएगा। ठीक है, एक आध और मिल्क स्प्लैश कहीं पे लगाना हो डिज़ाइन में तो आप लगा सकते हो। चॉकलेट स्प्लैश जो है वो आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है एक चॉकलेट स्प्लैश लिया है और इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, दोनों तरफ एक थोड़ा सा ऊपर लगाया है, एक नीचे लगाया है। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप चॉको चिप्स वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो कि है टेक्स्ट। तो हम जाएंगे टेक्स्ट पे, एड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास हेडिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है हमारा टेक्स्ट जो भी रिक्वायर्ड उसको टाइप कर देंगे, वनीला चौको यहाँ पे मैंने टाइप किया है। इसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट टाइप पे, और फॉन्ट में आपको पता ही है मेरा फेवरेट फॉन्ट कौन सा है, एंटोन है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे उसके लिए। बोल्ड और क्लासी लगता है इसलिए इसको लिया है। और उसके बाद जो इसका कलर है ना, हम उसको चेंज कर देंगे वाइट में। ठीक है, तो इस तरीके से वो दिख रहा होगा। इसमें कुछ इफेक्ट्स भी डालेंगे, पर पहले पूरा टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अभी वनीला चौको लिख लिया है। अब इसके बाद आइसक्रीम यहाँ पर हम नीचे जो है टाइप कर देंगे, उसको डुप्लीकेट किया उसके बाद, और यहाँ पर जो है हमने आइसक्रीम टाइप कर दिया। ओके गाइस, अभी जो है हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से साइज बड़ा कर दिया है ताकि वो एक सा लगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से उसका साइज खींच करके बड़ा कर दिया है। और अब जो है हम जाएंगे पोजीशन पे और उसको कर देंगे टू बैक, ताकि वो आइसक्रीम के पीछे चला जाए हमारा जो वनीला चोको, और फिर आइसक्रीम ऐसे पीछे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे एड आ सब हेडिंग पे, और इस सब हेडिंग में हम लिख देंगे टेस्टी, डिलीशियस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या अच्छा लगे, उस हिसाब से वही लिखे रहने देंगे। यहाँ पर जो है इसका हम एक कर्सिव फॉन्ट रखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कर्सिव फॉन्ट टाइप की, यूज़ करते करते आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर्सिव फॉन्ट यूज़ किया और कलर जो है उसका ब्राउन रखा है और डिलीशियस टाइप कर दिया। ठीक है, अभी उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इफेक्ट्स पे जाएंगे और नियॉन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वैसे चमकने लगेगा दोस्तों, और थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट जमाया जाएगा। और उसके बाद जो हमारे बाकी के दो टेक्स्ट भी है ना, उन पे भी इफेक्ट डाले जाएंगे यार। तो उसके इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट्स पे जाओ और लिफ्ट इफेक्ट दे सकते हो, नहीं तो शेडो इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे जो है मैंने लिफ्ट इफेक्ट का चयन किया है, तो हम लिफ्ट इफेक्ट डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वापस जाएंगे एलिमेंट्स पे और दोबारा से ब्राउन सिल्क के लिए सर्च करेंगे। यार ये वाला जो था हल्का सा डल लग रहा है, मैंने आपको बोला अगर हमारा डल लगेगा तो हम चेंज कर देंगे स्टार्टिंग में। तो अभी जो है हम ये वाला डाल रहे हैं, हल्का सा ब्राइट वाला, और उसके साथ भी सेम वो ब्लर ब्लर कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं उसको। इसको एडिट फोटो पे जाओगे, आप ब्लर पे जाओगे तो वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह थोड़ा मैनेज कर दो, और इस तरीके से जो है अभी बेटर लग रहा है वो पहले वाले बैकग्राउंड से, तो मैंने इसलिए जो है उसे चेंज कर दिया। ओके, अब जो है हम वापस जाएंगे एलिमेंट्स पे और सर्च कर देंगे ऑर्डर नाउ के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे ग्राफिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट जमाया है हमारी इमेज का। आप ग्राफिक्स पे जाओगे तो आपको देख पाओगे आप काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जो हम एक बटन लेंगे ऑर्डर नाउ की, और उसको प्लेस कर देंगे, इसका कलर कस्टमाइज करेंगे जैसे कि हमारी डिज़ाइन है उस हिसाब से।
इसका जो पीछे का है वो ग्रे करा है और टेक्स्ट जो है वो ब्राउन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा बटन दिख रहा होगा, इसमें शेडो वेडो डाल सकते हो यार आप चाहो तो, आपकी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जो है अब हम नेक्स्ट क्या काम करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए सर्च करेंगे, हम एक आइकन डालेंगे, उसके साइड से जो है हम एक मस्त सी बटन डालेंगे, हम एक आइकन डालेंगे, इसके बाद हमारा जो इंस्टाग्राम का नाम है हम वो डालेंगे, एक थोड़ा सा ऐसे लाइन से अच्छा सा क्लासी लुक देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कलर तो वाइट ही रखने वाले इंस्टाग्राम आइकॉन का, और @ShrutiRajput576 दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी ऑन देयर। उसके बाद जो है हम इसका फॉन्ट जो है पतला सा रख देते हैं, कोई ओपन सोर्स रखते हैं। इसके बाद जो है इसका साइज थोड़ा सा कम कर देंगे, 12 रख दिया है, और अरेंजमेंट जमाएंगे, थोड़ा सा अलाइनमेंट जमाएंगे, इस तरीके से वो दिख रहा होगा। और अब जो है हम एक लाइन ऐड करेंगे, यार यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इसका बढ़िया से कर दिया, वो साथ में लगना चाहिए इसलिए। अब जो है हम लाइन के लिए सर्च करेंगे, और एक बिल्कुल ही थिन सी लाइन जो है उसको वाइट कलर करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये बहुत मोटी हो गई है लाइन, तो हम ये वाली नहीं लेंगे, हम जो शेप्स वाली होती है ना उसमें से लाइन लेंगे, तो हम उसका वो एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो लाइन विड्थ से, तो अभी हमने एकदम ऐसे पतली सी लाइन ले ली है, इसको थोड़ा सा खींच करके नीचे कर देंगे ऐसे खसकाते हुए, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी आ गया है नीचे, और इस तरीके कुछ दिख रहा होगा वो। अब हम जाएंगे वापस से एलिमेंट्स पे, और यहाँ सर्च कर देंगे डार्क चॉकलेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप चॉकलेट के लिए सर्च करोगे यार, काफ़ी सारे चॉकलेट के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप ग्राफिक्स में से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फोटोज़ में से ले सकते हो। यहाँ पे मैं फोटोज़ में से सिलेक्ट कर रही हूँ। ये जो चॉको चिप्स हैं इनको हम ऐसे ब्लर करके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे करके जो है हमारे डिज़ाइन में अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ ब्लर का ऑप्शन देख सकते हो, थोड़ी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके जो है, कि आइसक्रीम के ऊपर ऐसे पॉपअप हो, इस तरीके से मैंने जो इसको अरेंज कर दिया। बाकी के भी जो है आप ऐसे कुकीज़ भी डाल सकते हो कुछ ऐसे आइट साइड में, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको क्या क्या डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आ जाती हूँ, थोड़े से और टर्म सर्च करते हैं, डार्क चॉकलेट ये वो। तो अगर जो जो अच्छे अच्छे चॉकलेट्स लग रहे हैं हम उनको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी जो डिज़ाइन है ना उसमें थोड़ा सा लिफ्ट करें, थोड़ा अच्छा इफेक्ट दें, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला चॉकलेट भी काफ़ी सुंदर है, तो हम इसको भी पीछे ऐसे करके लगाएंगे, एकदम ऐसे फ्लिप कर देते हैं पीछे लगाएंगे, और ये अभी अजीब दिख रहा होगा लेकिन हम इसको ऐसे एकदम मर्ज कर देंगे, ऐसे लगेगा ही नहीं वो अलग से, ठीक है। तो इंटेंसिटी हम ऐसे कर देंगे तो एक अलग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी वो समझ में नहीं आ रहा है वो चॉकलेट है, लेकिन चॉकलेट ही है वो, ओके। अभी इसमें हम हार्ट शेप का कुछ चॉकलेट्स हैं इसमें, तो हम इनको भी डालेंगे यार, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इन्हें भी इस तरीके से, 3-4 इसको लगा देंगे अलग अलग साइज़ में, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर करके, और इनको थोड़ा सा टिल्ट विल्ट करके इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे इनको चॉकलेट्स को, तो ये बढ़िया लगेंगे, ठीक है। इनका साइज़ वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं, और इस हिसाब से जो है इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे चॉकलेट्स लग करके तैयार हो गए हैं सारे। अभी ये डिज़ाइन कुछ इस प्रकार की दिख रही है यार, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे दिख रही है हमारी डिज़ाइन। तो बस यार हमारी डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुकी है, कुछ इस प्रकार की दिख रही होगी, आप ध्यान से देख सकते हो। अब बारी आती है इसको डाउनलोड करने की, तो हम जानेंगे शेयर पे, डाउनलोड पे, PNG पे। साइज़ आप मैनेज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और उसके बाद जो है आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ओके। यार अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ पर्पल हार्ट और अ ब्लू हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना यार।